साथियों आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 बेसिकली हमारे पास काइनेमेटिक्स व्हाट इज काइनेमेटिक्स। लास्ट चैप्टर में हमने फिजिक्स की ब्रांचेस में दो चीजें पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ी थी मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स को स्टडी करते हुए हमने कहा था कि हमारे पास मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स है स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना क्या कहलाता है? मैकेनिक्स कहलाता है। अब जो हमने एक ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है, मोशन को स्टडी करना है, उस मोशन के अंदर हमारे पास उसके कुछ रूल्स होंगे, उसकी कुछ वजूहत होगी। वो मूव कर रही है तो क्यों मूव कर रही है? मूव कर रही है तो कहां मूव कर रही है? स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास है मैकेनिक्स। इसके बाद हमारे पास मैकेनिक्स की दो टाइप्स है। ये मैकेनिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। मैकेनिक्स के बाद हमारे पास की दो टाइप्स आ गई है, काइनेमेटिक्स और एक लास्ट में हमारे पास की दूसरी टाइप है डायनामिक्स। ये दो टाइप्स हमने पढ़ना है। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स बेसिकली हमारे पास मैकेनिक्स की टाइप है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट विदाउट causes of motion, बगैर उसके causes को study किए, उसकी वजूहात को study किए बगैर पढ़ना mechanics को क्या कहलाता है? Kinematics है। और dynamics क्या होता है हमारे पास? With causes। ये हमारा chapter number 3 है और ये हमारे पास chapter number 2 है। chapter number 2 में हमने kinematics को study करना है, chapter number 3 में हमने dynamics को study करना है। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन समझिए। काइनेमेटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्टडी द कॉजेस ऑफ मोशन, विदाउट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन, विदाउट स्टडी द इफेक्ट ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स में हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी कि मोशन, वो क्यों मोशन कर रहा है हमें नहीं पता, हमें नहीं पढ़ना। वो कहां मूव कर रहा है? आई डोंट केयर। वो कहां जा रहा है? आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। बट जब वो मोशन कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? वो काइनेमेटिक्स में। अब काइनेमेटिक्स में हमारे पास मोशन आ गई। अब मोशन क्या है? मोशन के साथ उसकी एक और टर्म होती है रेस्ट। व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट? लेट्स से लेट्स सपोज दैट ए कार है, कार चल रही है, मैं साथ खड़ा हूं। अगर वो कार मेरे साथ से गुजर गई, उस कार ने अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, सराउंडिंग में मैं था, उस कार ने अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज की। लेट्स सपोज दैट ए बॉडी है और बी बॉडी है। ए बॉडी आपके पास और बी बॉडी है। अगर ए बॉडी अपने इर्द गिर्द, इर्द गिर्द क्या बी है, बी के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो ये क्या कहलाएगी? मोशन कहलाएगी। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं करती देन इट्स सेड टू बी रेस्ट। When a body change their position with respect to surrounding, अपने इर्द-गिर्द के लिहाज से अपनी position change कर ले, then is said to be in motion. But if the body cannot change their position with respect to surrounding, then is said to be rest. There are two types. Sorry, there are three types of motion. There are two quantities: motion and rest. Motion change the position with respect to surrounding. Rest cannot be changed in position with respect to surrounding. अपने surrounding के लिहाज से position को change करना क्या कहलाता है? Motion. अपने surrounding के लिहाज से position को change करें, position को change ना करना क्या कहलाता है? Rest. So, अब rest को अगर study कर लिया, let's say हम अब motion को study करते हैं। Motion हमारे पास क्या है? Motion को हमने पढ़ा कि हमारे पास surrounding के लिहाज से अपनी position को change करना है। अब मोशन को कितनी किस्म की मोशन होती है? मोशन बेसिकली हमारे पास इसकी तीन टाइप्स है। तीन टाइप्स के बाद उसकी दो सब टाइप्स मिला के हमारे पास इसकी पांच टाइप्स बन जाती है।
रोटेटरी मोशन, और दो दूसरी तरह से हमारे पास आ गए लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। ये हमारे पास की कुछ टाइप्स है, ये हमारे पास आ गई रैंडम मोशन आ गई, रोटेटरी मोशन आ गई। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास क्या होती है, वाइब्रेटरी क्या होती है, नाम से है ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेटरी रोटेट करना, सॉरी वाइब्रेट करना, रोटेट करना, लीनियर स्ट्रेट चलना, रैंडमली ज़िगज़ैग की शेप में चलना। ज़िगज़ैग मतलब कोई एक स्पेशल उसका केस ना हो, उसकी कोई स्पेशल साउंडिंग ना हो, वो कभी एक्स एक्सिस पे जा रही है, कभी वाई पे जा रही है, कभी जी पे जा रही है, कभी एक्स, कभी वाई, कभी जी, इस तरीके के मोशन को क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। और लीनियर मोशन हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट फॉर्म वाले मोशन होंगे, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ये हमारे पास मोशन की कुछ टाइप्स होंगे। अब इसके बाद हमने इसके अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन के बाद हमारे पास दो क्वांटिटीज होती है। हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज पिछले चैप्टर में, फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हमारे पास हमने दो क्वांटिटीज की और पढ़ी, उसके अंदर दो किस्म की क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज बेसिकली बच्चे हमारे पास वो क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए तीन चीजें हमारे पास बेसिकली होती है, एक उसका यूनिट, एक उसकी डायरेक्शन, एक उसकी मैग्नीट्यूड। ये तो सबके लिए जरूरी है, इसे कैंसिल कर, ये इसके लिए भी जरूरी है, इसके लिए भी जरूरी है। अब पीछे हमारे पास बस की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसके लिए दोनों चीजों की जरूरत हो, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दिस क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। बोथ डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, अ क्वांटिटी व्हिच कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स डायरेक्शन एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। बट स्केलर क्वांटिटी इज कंप्लीटली डिस्क्राइब ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। Only magnitude. अब ये सिर्फ और सिर्फ magnitude पे depend कर रही है। ये आपके पास सिर्फ direction पे depend कर रही है। Direction के साथ साथ magnitude दोनों चाहिए तो आपके पास क्या होगी vector quantity। सिर्फ एक चाहिए magnitude चाहिए तो आपके पास क्या होगी scalar quantity। Scalar quantity let's say mass है। Mass की value है, लेकिन किस direction में है वो हमें नहीं चाहिए। Force है। Force let's say 5 newton है, तो किस direction पे लग रही है? वो भी हमें बताना चाहिए। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्शन एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड। सो ये हमारे पास डायरेक्शन और मोशन के लिहाज से इसकी दो टाइप्स कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह एक हमारे पास इसका छोटा सा टॉपिक रहेगा ग्राफ। ग्राफ किस तरीके से हम किसी बॉडी ऑब्जेक्ट वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट भी हमें करना है, इसके बाद हम ग्राफ को देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हमारे पास कैपिटल लेटर लेट्स से फोर्स है, तो फोर्स के ऊपर एरो हेड डालेंगे, ये इसकी डायरेक्शन को जाहिर करता है, या इस फोर्स को क्या करते हैं कैपिटल डालते हैं। ये भी हमारे पास फोर्स की रिप्रेजेंटेशन आ गई। अगर ग्राफिकली देखें कि लेट्स से फोर्स है 5 न्यूटन वो लग रही है, लेट्स से ये आपके पास फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ए टू बी, ये ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के हाउ द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं, वेक्टोग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास छोटा सा ग्राफ है, इसको इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ग्राफ का छोटा सा क्वेश्चन है, ग्राफ कैसे करते हैं। तो ग्राफ व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ बेसिकली दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन है। एक क्वांटिटी आपके पास एक्स एक्सिस होती है और एक आपके पास वाई एक्सिस भी होती है। ये आपके पास एक डायग्राम बन रही है, पिक्चर बन रही है किसी रिलेशन की। इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, ग्राफ इज अ वेक्टोरियल वे, एक डायग्राम का पाथ है जिसकी मदद से आप किसी दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। सो ग्राफ इज अ वेक्टोरियल वे व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड द रिलेशन
अब जो क्वांटिटी डिपेंडेंट है हम पे वो हम इस पे लेंगे y पे, जो डिपेंडेंट नहीं है हम पे उसे हम x एक्सिस पे लेंगे। ये जनरल है, उसको आप याद रखें कि स्टैंडर्ड है, हमेशा ऐसा ही होगा कि वो क्वांटिटी जो हम पे डिपेंडेंट नहीं है यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चल रहा है, टाइम है, टाइम का भी यूज होता है, चाहे कुछ भी हो जाए टाइम नहीं रुकेगा, हम रुक जाए टाइम नहीं रुकेगा, स्पीड रुक जाए हम टाइम नहीं रुकेगा। लेकिन अगर हम देखें तो स्पीड हम रुके हमारी स्पीड रुक गई, टाइम नहीं रुका, जो नहीं रुका वो एक्स एक्सिस पे आएगा, जो रुक गया वो वाई एक्सिस पे आएगा, मीन वाई एक्सिस हमारी वजह से होगा, एक्स एक्सिस यूनिवर्सल की वजह से होगा। तो ये हमने इन दो का रिलेशन आपस में लिख दिया। अब ग्राफ की पोजीशन टाइप है, बेसिकली फर्स्ट क्या रेस्ट का ग्राफ, यूनिवर्सल क्या नाम है यूनिफॉर्मली मूवमेंट का ग्राफ, और एक लास्ट पे आपके पास होता है यूनिफॉर्म के बाद वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कभी एक्स इंक्रीज कभी डिक्रीज, ये वेरिएबल का हो गया। अगर आप देखें दोनों के दरमियान कांस्टेंट, तो ये आपके पास कांस्टेंट स्पीड चल रही है। अगर आप देखना चाहते हैं दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन, तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ गया कि जिस स्पीड से जिस रेशियो से स्पीड इंक्रीज हो रही है उसी रेशियो से क्या हो रहा है टाइम इंक्रीज हो रहा है। ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ की छोटी सी कर्व है, ग्राफ को हमने कैसे बनाना है, ग्राफ